हालात कुछ ऐसे हैं जिसको हम बयां नहीं कर सकते, जिसके साथ बीत रही है बस उसी को तसल्ली हम दे सकते। डरना नहीं है हमें, बस मजबूती से टिके रहना है, कुछ टाइम और बस मास्क ही तो लगा कर रहना है। नमस्कार, आज कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, लेकिन कोरोना के अगेंस्ट पहले अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, और उससे पहले जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मिथ्स को बस्ट करना। मिथ नंबर वन, ईटिंग रॉ अनियन विद रॉक सॉल्ट कैन क्योर COVID-19। सो अकॉर्डिंग टू PIB फैक्ट चेक, ये फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अनियन तो हम डेली सैलेड में भी खाते हैं, राइट? तो मुझे नहीं लगता उसे कोई प्रॉब्लम होगी। सो मिथ नंबर टू, काले मिर्च, अदरक, हनी COVID-19 का ट्रीटमेंट है, और WHO ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। सो अकॉर्डिंग टू PIB फैक्ट चेक, दिस न्यूज़ इज फेक टू। ये चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकती हैं। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बचें, जो भी आपको मिले एक ऑथेंटिक सोर्स से रीचेक ज़रूर कर लें। लास्ट ईयर जो इम्यूनिटी पर वीडियो बनाया था उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये चीज़ें हमारे मार्केट में मिलती नहीं है, फिर किचन में मिलती नहीं है। सो ये वीडियो उसी तरीके से रिसर्च करके बनाया गया है कि चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए और इंडियन हाउसेज में आराम से मिल जाए, स्पेशली किचन में। वट टू ईट फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, सबसे पहली चीज़ आती है उसमें लेमन। लेमन से मिलता है वाइटामिन सी, और वाइटामिन सी आपके इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाकर। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ऐसे फूड की बात करेंगे जो ईजिली आपके किचन में मिल जाएगा, वो है गार्लिक। गार्लिक या लहसुन, गार्लिक को अर्ली सिविलाइजेशंस ने इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्पफुल माना है, एंड गार्लिक की इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज आती हैं हैवी कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड से, लाइक एलिसिन। एंड एलिसिन इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस व्हेन गार्लिक इज क्रश्ड और चॉप्ड। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात करते हैं जिंजर की। जिंजर का जिक्र अदरक वाली चाय में बहुत सुना होगा आपने, लेकिन पता है जिंजर आपके इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में हेल्प कर सकता है, जिससे कि गले में खराश यानी कि सोर थ्रोट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये नौजिया में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अपनी डाइट में आप जिंजर ज़रूर ऐड करें इस कोरोना टाइम में। अगला पॉइंट आता है स्पिनच। जैसे बचपन में हम देखे करते थे पोपॉय द सेलर मैन को स्पिनच खाकर एनर्जी आती थी, ऐसे ही ये आपकी हेल्प करता है फाइट करने में, किससे? इन्फेक्शन से, बिकॉज एक तो वाइटामिन सी का अच्छा सोर्स है, और दूसरा इसके एंटीऑक्सीडेंट्स एंड बीटा कैरोटीन इन्फेक्शन से फाइट करने की एबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, वो है टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध। इंडिया में इतना ज़्यादा फेमस है, और फेमस क्यों ना हो, इसके बेनिफिट्स इतने हैं। ये इन्फ्लेमेशन में आपकी हेल्प करता है, वायरस एंड इन्फेक्शंस को दूर रखता है, और ये बेड टाइम पर ले सकते हैं आप। और क्या क्या फूड्स हो सकते हैं इसके अलावा जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे? उसमें आता है क्लोव्स यानी कि लौंग। घर में आपने अपने एल्डर्स को देखा होगा काफ़ी प्रेफर करते हुए, और इसको प्रेफर क्यों ना करें, इसके पीछे रीज़न इतने हैं, और इसकी पावरफुल प्रॉपर्टीज़ विच कैन डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स इन योर बॉडी। आप चिकपीज भी ले सकते हैं, चिकपीज मतलब कि वाइट चने, ये भी ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। वट टू अवॉइड, डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी। सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी मत फैलाओ यार। आपको नहीं पता होगा लेकिन ये जो सेकेंड वेव है ना, बहुत लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है इसमें। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, कहीं पर शमशान में लाशें जा रही हैं, और कहीं पर कुछ हो रहा है। आई अंडरस्टैंड कि ये आपका कंसर्न है, आपको लोगों को अवेयर करना है कि हमारे इंडिया में क्या हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इस बात को एक दूसरे तरीके से देखो, जो कि ये जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को मेंटली, और इतना हिट कर रही है बहुत ही ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जो आइसोलेशन में हैं, जो क्वारंटीन है। सो स्प्रेड करना है ना, पॉजिटिविटी करो, नेगेटिविटी नहीं। डोंट ब्लाइंडली बिलीव इन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पर आप जो भी देखें उस पर एकदम बिलीव ना करें। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले उसको ऑथेंटिकेट कर ले कि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर कोई फेक न्यूज़ है। काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि दूसरों की हेल्प हो जाए उनके फॉरवर्ड से। आई अंडरस्टैंड, ये एकदम सही चीज़ है, लेकिन उसे एक बार आप है ना फॉरवर्ड करने से पहले रीचेक कर ले कि ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं, इसका सोर्स ऑथेंटिक है या फिर ऐसे ही किसी ने बस भेज दिया है। क्योंकि अभी जो हुआ है ये कोरोना वायरस 2021 में, लोग पिछले साल के स्क्रीनशॉट्स या न्यूज़ फैला रहे हैं, और उन लोगों को लग रहा है कि 2021 में भी ये सारी चीज़ें हो रही है।
सो ऐसी चीज़ें ना करें, फेक न्यूज़ को प्रमोट ना करें, फोकस ऑन क्वारंटीन। कोविड पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो और ज़्यादा जल्दी रिकवरी होगी आपकी। क्वारंटीन पीरियड को नेगेटिव नहीं लेना, उल्टा यही टाइम है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यही टाइम है आपकी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने का। और देखो यार, इंडिया का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और आप ठीक हो जाओगे। और टाइम की सबसे बड़ी बात होती है, टाइम अच्छा हो या बुरा हो वो भी चला जाता है। 14 दिन का आइसोलेशन में अपने फ्रेंड से बात करो, अपने आप से बात करो, और जितना पॉसिबल हो अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ठीक आपको हो जाना है। और खाने पर ज़्यादा फोकस रखो, बिकॉज रियल एनर्जी आपकी फूड से ही आएगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग भी फूड से ही होगी। वियर योर मास्क लाइक यू वियर योर गारमेंट्स। जैसे आप अपने क्लोथ्स को पूरा पहनते हो, ऐसे ही मास्क को भी पूरा पहनो, तभी वो आपकी पॉसिबल हो पाएंगी चीज़ें, वो आपकी प्रोटेक्शन कर पाए आपका मास्क। ये कुछ इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे तो बिल्कुल मत करो यार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। बिकॉज ऐसे पहनने से ना कोई फ़ायदा नहीं है, और क्राउडेड एरिया में तो भूल कर भी मत ऐसा करना यार। और अपना मास्क पहने और दूसरों को भी बोले मास्क पहनने के लिए। ये मत सोचना कि सामने वाले बंदे ने उतार दिया तो आप भी उतार के फेंक दोगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोविड नहीं हो सकता। तो आज की डेट में आपको पता ही होगा इतने हाई प्रोफाइल लोगों को कोविड हो गया है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस स्ट्रांग रहिए, सेफ रहिए। द सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव में सुनने को मिलता था कोरोना हमारे से काफ़ी दूर था, लेकिन सेकेंड वेव ने तो काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है। और हम लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड्स के लिए स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो लोग रिकवर कर चुके हैं, और आए दिन किसी ना किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो आप आगे आकर अपना प्लाज्मा डोनेट करें और किसी की लाइफ में एक हीरो का काम करें, क्योंकि ऐसे हीरोज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो हियर इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। हालात आप देख ही चुके हैं बाहर के, तो जल्दी से अपने आप को और अपनी फैमिली को रजिस्टर करें कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, और अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कोरोना के अगेंस्ट। काफ़ी मिथ्स है वैक्सीन को लेकर, उन सब के चक्करों में ना पड़े। कोरोना वैक्सीन आपकी सेफ्टी के लिए बनाई है, और ये वीडियो भी। इस वीडियो को आगे तक फैलाएं और लोगों की हेल्प करें। अगर कोई कोविड पॉजिटिव है या जो भी है, आप उस बंदे को वीडियो शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, पॉजिटिविटी बढ़ाएं। नेगेटिविटी तो हम आए दिन देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में हर जगह। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, जिससे कि फ्यूचर में मैं भी और वीडियोस बनाऊं और इससे मुझे मोटिवेशन मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।